नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। जल संसाधन विभाग ने कृष्णा गोदावरी प्रबंधन को दिया निर्देश, संबंधित राज्यों को 1 माह के भीतर सिंचाई परियोजनाओं का देना होगा विवरण। शीर्ष अदालत ने आरक्षण को बताया कानूनी अधिकार, 9वीं अनुसूची में शामिल करने की उठी मांग, 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद न्यायिक समीक्षा से मिलेगा संरक्षण। तो चलिए बड़ी खबरों के साथ अपने बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में जल संसाधन विभाग ने कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्षों को महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का विवरण 1 माह के भीतर केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आंध्र प्रदेश द्वारा कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध की क्षमता में वृद्धि कर दी गई है, जिसको लेकर तेलंगाना सरकार ने आपत्ति जताई है। तेलंगाना सरकार की आपत्ति के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने भी कृष्णा नदी पर पलामरू, रंगा रेड्डी और दिंडी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं, इसके साथ ही गोदावरी नदी पर प्रस्तावित बांधों यथा कालेश्वरम, तुपकुल, गुंडेम को लेकर तेलंगाना सरकार के खिलाफ आपत्ति जताई। आपत्ति दर्ज कराने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका यानी SLP को भी दायर कर दिया है। आपको बताते चले कि कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान के लिए साल 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण यानी KWDT की स्थापना किया गया। इस न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट साल 1973 में प्रस्तुत किया, जिसे 1976 में प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट में न्यायाधिकरण यानी KWDT ने कृष्णा नदी के 260,000 मिलियन घन फीट जल का 3 राज्यों में विभाजन कर दिया। विभाजन के अनुसार महाराष्ट्र के लिए 560,000 मिलियन घन फीट, कर्नाटक के लिए 700,000 मिलियन घन फीट और आंध्र प्रदेश के लिए 800,000 मिलियन घन फीट जल निर्धारित किया गया। साथ में यह भी निर्धारित किया गया कि 31 मई 2000 के बाद किसी भी समय KWDT के आदेश को संशोधित किया जा सकता है। राज्यों के मध्य विवाद बढ़ने के बाद साल 2004 में दूसरा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत किया। इसमें फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र को 666, कर्नाटक को 911, आंध्र प्रदेश को 1,000 मिलियन घन फीट जल दिया जाएगा। साथ ही न्यायाधिकरण का यह अंतिम फैसला 2050 तक मान्य होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार ने दूसरे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसलों को बदलने की मांग तेलंगाना के गठन के बाद से ही शुरू कर दी थी। आंध्र प्रदेश का मत है कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण में तेलंगाना को एक अन्य पक्ष के रूप में शामिल किया जाए और कृष्णा नदी के जल को 3 के बजाय 4 राज्यों में पुनः आवंटित किया जाए। आंध्र प्रदेश के इस मांग पर महाराष्ट्र और कर्नाटक का कहना है कि न्यायाधिकरण ने जिस समय यह फैसला दिया था, उस समय तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, तो पानी का आवंटन तेलंगाना के लिए आंध्र प्रदेश के हिस्से से ही होना चाहिए। कहने का मतलब है महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार नहीं चाहती कि आंध्र प्रदेश की आपत्ति पर न्यायाधिकरण के फैसले में कोई बदलाव आए। कृष्णा नदी जल विवाद मुख्यतः कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित है, जो कई दशकों से इसी प्रकार चला आ रहा है। इस विवाद की शुरुआत पूर्ववर्ती हैदराबाद और मैसूर राज्यों के साथ हुई थी और बाद में यह विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच आज तक जारी है। हाल ही में देश की शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर आरक्षण संबंधी मामलों को खारिज करते हुए कहा, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है, लिहाजा यह मामला अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस अहम फैसले के बाद आरक्षण संबंधी कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग एक बार पुनः तेज हो गई है। आपको बताते चलें कि तमिलनाडु के राजनीतिक दलों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर राज्य के मेडिकल पाठ्यक्रम में OBC के अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण न देने की केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। साथ ही साथ संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की मांग भी की गई थी। 9वीं अनुसूची के संदर्भ में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की समीक्षा की जा सकती है, बशर्ते 9वीं अनुसूची के तहत शामिल वह कानून मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता हो।
इस संवैधानिक पीठ ने कहा कि कानून बनाने और इसकी वैधानिकता तय करने की शक्ति एक संस्था के पास नहीं होगी, बल्कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा का दायित्व न्यायपालिका का ही होगा। फिलहाल न्यायिक समीक्षा तभी संभव है जब कोई कानून मौलिक अधिकार या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। और अब अंत में चलते चलते कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होगा। 14 जून को बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। कहा जा रहा है कि बीते 6 माह से सुशांत सिंह डिप्रेशन में थे। छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुशांत का टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता काफ़ी लोकप्रिय रहा। इसके साथ ही केदारनाथ, MS धोनी और छिछोरे जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय का परिचय दे चुके हैं। अंतरिक्ष यात्री और समुद्र विज्ञानी कैथी सुलीवन समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। 1984 में कैथी ने अपने अंतरिक्ष वॉक की शुरुआत और अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी। आपको बताते चलें कि चैलेंजर डीप पृथ्वी के समुद्र तल का सबसे गहरा बिंदु है, जिसकी गहराई तकरीबन 10,902 मीटर है। इसका नाम ब्रिटिश रॉयल नेवी सर्वे शिप HMS चैलेंजर के नाम पर रखा गया है, जिसने पहली बार इसकी गहराई मापी थी। साल 2012 में टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक जेम्स कैमरन इस स्थान पर पनडुब्बी द्वारा गए थे। चैलेंजर डीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर में स्थित है। हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के विरुद्ध होने वाले हमलों और भेदभाव के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। आपको बताते चलें कि अल्बिनिज्म एक दुर्लभ और वंशानुगत रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल और आँखों में आंशिक या पूर्ण रूप से मेलानिन पिगमेंट नहीं होता। इससे प्रभावित व्यक्ति की त्वचा पर सफ़ेद धब्बे होते हैं या पूर्ण त्वचा ही सफ़ेद हो जाती है। इसका कोई उपचार नहीं है। त्वचा में मेलानिन न होने के कारण अल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्ति सनबर्न और कैंसर से भी पीड़ित हो सकते हैं। बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। पिछले वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस द्वारा युवा श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार तथा बाल श्रम के अंत के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त किया जाना और 2030 तक सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित कामकाज की वातावरण उपलब्ध कराना है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 जारी किया। इस सूचकांक में पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी जीवन शक्ति संबंधी 11 श्रेणियों के 32 निष्पादन संकेतकों के आधार पर 180 देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में 82.5 अंकों के साथ डेनमार्क शीर्ष पर है, तो वहीं दूसरे और तीसरे पायदान पर क्रमशः लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड है। वहीं 27.6 अंकों के साथ भारत और घाना को 168वां स्थान मिला है। आपको बताते चलें कि साल 2018 में भारत 177वें स्थान पर था। यह रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों में जारी की जाती है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मकसद सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदाताओं के सुरक्षित जीवन रक्षक रक्त के दान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आभार व्यक्त करना है। साल 2020 में विश्व रक्तदान दिवस की थीम सुरक्षित रक्त बचाए जीवन रखा गया। गौरतलब है कि WHO ने 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाने की घोषणा 2004 में की थी। यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टेनर की जयंती पर मनाया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।